अब आप कहेंगे क्यों, हमने तो कितनी बार ऐसे करके छींक को रोक लिया और हम बड़े तमीजदार दिखे हैं। पर अगर आपने ऐसा किया है और आप आज भी जिंदा हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि आप भाग्यवान हैं, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है कि आप खुद भी नहीं जानते होंगे। आओ बताते हैं। छींक आने पर आपके शरीर के अंदर की हवा की रफ्तार पता है कितनी होती है? 100 मील प्रति घंटा, और कई बार इससे भी ज्यादा होती है। अब सोचिए कि इतनी तेज रफ्तार को आप रोकने की कोशिश करके कितनी भारी गलती करते हैं। सर्दी खांसी होना बहुत आम चीज है। मौसम बदला नहीं कि नाक पनीली महसूस होने लगती है, फिर छींकते छींकते जान आफत में आ जाती है। सबके साथ यही होता है। कई बार आप जब लोगों के बीच होते हैं तो नाक दबाकर मुंह दबाकर छींक को रोक लेते हैं, ज्यादा तमीजदार बनने की कोशिश करते हैं ना। अगर आपको भी ऐसा करने की आदत है तो मैं बता दूं, इसे छोड़ दीजिए, कहीं आपके साथ भी वैसा ना हो जाए जैसा एक 34 साल के आदमी के साथ हुआ। उसे छींक आ रही थी, इसे रोकने के लिए उसने नाक पकड़ी, मुंह बंद किया और छींक को रोक लिया। छींक को बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिली, इससे गले के पीछे और जोर पड़ा और वहां छेद हो गया। छींक के फोर्स के कारण गले की नाजुक मांसपेशियों में छेद हो गया। जाहिर है उसे बहुत दर्द हुआ होगा, ना कुछ बोल पा रहा था ना कुछ निकल पा रहा था। फिर उसे अस्पताल ले गए, वहाँ करीब एक हफ्ते तक उसका इलाज हुआ। डॉक्टर ट्यूब की मदद से उसके अंदर लिक्विड डाल रहे थे, खाना डाल रहे थे, क्योंकि वो कुछ भी निगल नहीं पा रहा था। मरीज की जांच से पता चला कि छींक रोकने के कारण उसके गले का पिछला हिस्सा, जिसे डॉक्टर फैरिंग्स कहते हैं, वो टूट गया था। डॉक्टरों के मुताबिक छींक के समय हमारी सांस की नली और सीने में हवा का बहुत तेज दबाव होता है। फिर जब कोई नाक और मुंह बंद करके छींक रोकने की कोशिश करता है तो एकाएक प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। शरीर के इस हिस्से में मांसपेशियां वन वे टाइप की होती हैं, क्योंकि इनका काम बस हमारे खाए पिए को निगलने में मदद करना होता है। ऐसे में जब हवा का दबाव बढ़ता है और उसे बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती तो मांसपेशियों में छेद होने का खतरा पैदा हो जाता है। तो नाक के छेद को ढककर और मुंह बंद कर छींक रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। फेफड़ों के पास की जगह में हवा फंस सकती है, यहाँ तक कि दिमाग में खून ले जाने वाली नसें भी फट सकती हैं। डरना मना है पर समझना बेहद जरूरी है।